उज्जैन जिले की सभी तहसील उज्जैन शहरी, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन कोठी, महल, खटिया, तराना, मागडोन, महितपुर, झारडा, बड़नगर, खाचरोद व नागदा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा तहसील में सोमवार सुबह करीब 7 बजे स्कूल वाहन और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 4 बच्चों की मौत और 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी बस की मदद से नागदा के जनसेवा अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल बच्चों को उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। वाहन में सवार स्कूली बच्चे उन्हेल निवासी है, जिनमें से 2 एकोश दीप स्कूल व 12 बच्चे नागदा के फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के हैं। बच्चे प्रतिदिन निजी वाहन में सवार होकर उन्हेल से नागदा पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हेल नागदा मार्ग पर हुए हादसे में दुख जताते हुए कहा कि एक्सीडेंट के दौरान ट्रैक समेत 15 बच्चे सवार थे। ये सभी बच्चे 5वीं से 7वीं क्लास के हैं, जिनकी उम्र 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच है। घायलों का इलाज उज्जैन के आर्थो संजीवनी, इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल और नागदा में चल रहा है। स्थानीय प्रशासन बच्चों के लिए किए जा रहे इलाज पर लगातार नजर रखे हुए है। उज्जैन SP सत्येंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल वाहन और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल बच्चों के उपचार पर ध्यान दिया गया है। सड़क हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई उनके नाम है भाव्यांश पिता सतीश जैन, सुमित पिता सुरेश, उमा पिता ईश्वरलाल, इनाया पिता रमेश सालिये। सड़क दुर्घटना में यह बच्चे घायल हुए हैं। उज्जैन आर्थो अस्पताल में अनुष्का, अक्षत, संजीवनी अस्पताल में निशा प्रज्ञा, हर्ष पिता ईश्वरलाल, नागदा के जनसेवा अस्पताल में प्रियांश पिता संजय, तनिषा पिता राजेश, प्रियांश पिता पवन, तैयब पिता आजाद का उपचार जारी है। हादसे में घायल हुए बच्चों के नाम है अनुष्का निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, सुमित निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, दर्शन निवासी उन्हेल, वीर निवासी उन्हेल, प्रियांशी उन्हेल, हिमांशु निवासी उन्हेल, तनिषा पिता राजेश मेहता, एगोजदीप स्कूल नागदा, श्रेयांश पिता राजेश मेहता, एगोजदीप स्कूल नागदा, निहारिका निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, आदित्य निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, उमा निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, पर्व निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, अक्षय पिता पवन धाकड़ निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, हरीश प्रयाग निवासी उन्हेल फातिमा कॉन्वेंट स्कूल। फातिमा स्कूल प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला। सड़क दुर्घटना के कुछ ही देर बाद फातिमा स्कूल प्रबंधन की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें दुर्घटना से बचाव करते हुए वाहन से अनुबंध नहीं होना बताया गया है। प्रबंधन की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा गया है कि उन्हेल से आने वाले बच्चे अपने अभिभावकों की रिस्क पर निजी वाहन MP43BD2836 से नागदा भेजते थे। इसमें स्कूल प्रबंधन की ओर से वाहन का कोई संबंध नहीं है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद ही स्कूल के शिक्षक घटना स्थल पर बच्चों की मदद के लिए पहुंच गए। वहीं हादसे से सबक लेते हुए स्कूल प्रबंधन ने समय में परिवर्तन करते हुए 7:30 की बजाय सुबह 8:30 बजे कर दिया गया है। वहीं मामले में भाजपा के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने ट्वीट कर मामले पर दुख जताया। ट्वीट करते हुए मंत्री देवड़ा ने लिखा कि उज्जैन से नागदा उन्हें रोड पर झिरनिया फंटे के समीप स्कूली बच्चों को ले जा रही टेम्पो ट्रैक्स और ट्रक वाहन की भिड़ंत का समाचार मिला। हादसा अत्यंत हृदय विदारक और मन को शोक से भर देने वाला है। घटना का दृश्य नहीं देखे जा सकने वाला है। टीम भारती न्यूज। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।